सबसे पहले तो गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको, आपको स्वागत भी हो सबको शुभकामनाएं जी। हमने देखा जैसे गणपति जी, आपने कहा कि आप काफ़ी सालों से ला रही हैं, जी। कितना श्रद्धा रखती है गणपति जी के दर्शन में करते वक्त, और कितना मानती है गणपति जी? हमारे घर में तो 29 ईयर्स से रखा जा रहा है गणपति, जब से आई थिंक मेरे भाई पैदा हुए थे। एंड हमारे लिए हर साल ये बहुत स्पेशल है, क्योंकि हमें लगता है हम अपना साल यहाँ से शुरुआत करते हैं और वी होप फॉर पॉजिटिव बिगनिंग्स, गुड बिगनिंग्स। सो घर में सुख शांति के लिए हम प्रे करते हैं और दुनिया में सुख शांति के लिए प्रे करते हैं। सो या इट्स जस्ट एक फैमिली को भी इकट्ठा होने का एक मौका मिल जाता है। सब दोस्त फैमिली सब आज घर आने वाला है, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, क्योंकि मैं मोस्टली तो घर से बाहर रहती हूँ, बट गणेश चतुर्थी के दिन कम से कम सबसे मिलना हो जाता है। गणेश चतुर्थी का मतलब आपके ऊपर कुछ ज़्यादा ही बोलते ना, हाथ है और कृपा है। मूवी भी आपकी बाहुबली 1 और बाहुबली 2 दोनों सुपर हिट हुई है जी। तो गणपति जी से इस साल आपने क्या मांगा? आई थिंक इट्स मोर देन मांगना, इट्स जस्ट मोर देन थैंक्स गिविंग, बिकॉज आज तक जितना भी मिला है भगवान, हमेशा आई थिंक मैं जितना मांगा उससे कहीं ज़्यादा मिला है मुझे। सो मेरे लिए हमेशा इट्स मोर इम्पॉर्टेंट टू थैंक गॉड देन टू आस्क फॉर समथिंग। दिस ईयर इट्स स्पेशल, क्योंकि मैं अपने फैमिली के साथ वक्त बिताना चाहती थी, सो एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम डूइंग। सो आई वांट टू थैंक गॉड फॉर गिविंग मी दिस टाइम। एंड या आई लव, इवन आई लव गोइंग टू लालबाग का राजा, एंड जितने भी पंडाल होते हैं या तो मेरे फ्रेंड्स के घर होते हैं, I would like to go and see everybody's Ganpati at home. India की बात करें मतलब सारे religious यहाँ रहते हैं, सब अपने celebrate करते हैं, बहुत ही एक मतलब बाहर cities में भी जाके India का जो root है वो इंसान कभी भूल नहीं पाता है, जो traditional है। Indian citizen अपने आप को कितना proud feel मानती है कि हाँ मैं Indian हूँ और मैं एक सारे traditional और सारे सब सभ्यता को मान के सब चलती हूँ, कितना प्राउड फील? एक्चुअली इस बार मुझे मैं न्यूयॉर्क में थी, जो इंडिया परेड हर साल होता है उसका हिस्सा थी मैं इस साल। एंड तब मुझे मालूम पड़ा कि हम जैसे इंडियंस कितने सारे हैं अब्रॉड, जो वहाँ पर रह के भी अपने रूट से कनेक्टेड हैं, और यहाँ पर तो हमें हर वजह है, वी सेलिब्रेट एवरी फेस्टिवल विद द सेम एंथुजियाज्म एंड द सेम हैप्पीनेस। एंड आई थिंक वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम हर फेथ को, हर बिलीफ को रिस्पेक्ट दें। एंड मैं तो ऐसा विश्वास रखती हूँ कि भगवान तो एक ही है, नाम अलग हैं बस। सो या आई थिंक आई एम वेरी लकी टू बी इंडियन। हमारा जो कल्चर है इतना रिच है, इतना कुछ सीखने को मिलता है, इतनी भाषाएं हैं हमारे खुद के देश में। मैं साउथ की फिल्मों में काम करती हूँ, इसलिए मुझे तमिल तेलुगू सीखने का मौका मिलता है, मराठी बंगाली अभी मैं लेना शुरू करूँ तो फिर तो द लिस्ट इज एंडलेस। बट या आई थिंक वी आर लकी टू बी इंडियन एंड वेरी प्राउड टू बी इंडियन। इको फ्रेंडली गणपति में कितना मानती है? लाइक हम जब भी विसर्जन पे जाते हैं, अगले दिन हम जब भी जू बीच पे जाते हैं तो गणपति जी के बॉडी पार्ट्स सब बाहर के फ्लो होते हैं, तो इको फ्रेंडली गणपति में आपका कितना विश्वास है? बिल्कुल, मेरा भी गणपति इको फ्रेंडली गणपति है। आई रिक्वेस्ट एवरीबडी जिन्होंने भी घर पे गणपति लाया कि वो जितना भी हो सके इको फ्रेंडली यूज़ करे, बिकॉज आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे टू प्रे। आई थिंक हम रिचुअलिस्टिक होने से ज़्यादा हम अपने अगर हम अपने प्लैनेट को बचा सकते हैं, आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट प्रेयर। थैंक यू सो मच। गणपति बप्पा मोरिया।